सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल MySirG.com को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका MySirG.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट सीजन 1 के विनर्स के नाम बताने की आज तारीख आ गई है। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आज मैं आपको विनर्स की लिस्ट बताऊंगा, तो ये रही मेरे हाथ में विनर्स की लिस्ट और अब मैं आपको बताने वाला हूं उन लोगों के नाम। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं जिन लोगों ने इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, और मैं देख रहा था कई लोगों ने तो बहुत कंसिस्टेंटली प्रोग्राम सबमिट करे थे, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो आपके अंदर ये एक गुण है जो आप संभाल के रखिए, क्योंकि इसी से आपको जीत मिलेगी। जब आप कंसिस्टेंट रहे तो मैंने देखा कई लोगों की प्रोग्रामिंग ग्रेजुअली इम्प्रूव होती चली गई और आखिरी तक तो उन्होंने काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स बनाना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब शायद प्रोग्रामिंग करते वक्त कभी भी उन्होंने इस पहलू की तरफ ध्यान नहीं दिया था कि उन्हें प्रोग्राम को रोबस्ट बनाना चाहिए, जितना हो सकता है कॉम्पैक्ट बनाना चाहिए, ब्यूटीफुल बनाना चाहिए। इस तरफ उनका ध्यान शायद पहले कभी नहीं रहता होगा, लेकिन इस कॉन्टेस्ट के कारण उनको ये सब चीज़ें भी समझ में आने लगी। वो एबिलिटी उनके अंदर ऑलरेडी थी, लेकिन कॉन्टेस्ट के कारण हुआ ये कि वो एबिलिटी बाहर आ गई और उनको यकीन हो गया कि वो भी ये चीज़ कर सकते हैं। तो जिन लोगों का इस विनर लिस्ट में नाम नहीं है, प्लीज़ आप इसमें हताश नहीं होइएगा, क्योंकि ये जो कॉन्टेस्ट है इसका मकसद आपको डिप्रेस करना नहीं है। इस कॉन्टेस्ट का मकसद ये है कि आप लोगों को प्रोग्रामिंग में और ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाए, जो कि इस MySirG चैनल का बेसिक मकसद है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोग्रामिंग करें। तो ये तो सीज़न 1 था और इसमें मेरे पास कोई स्पॉन्सर्स नहीं थे, वरना मैं आपको और बड़े गिफ्ट्स देता जिससे और आपको मज़ा आता। लेकिन जो भी है, ये टोकन ऑफ लव है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग के कारण ही MySirG फैमिली इतनी बड़ी है और आप लोगों के कारण ही MySirG फैमिली है। तो जो मैं हूँ आज वो आपकी वजह से हूँ, तो हम लोगों का जो कनेक्शन है ये उसके लिए एक टोकन ऑफ लव है जो इस बहाने में आपको देना चाहता हूँ। तो जिन लोगों के नाम मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ, मैं कितने नाम लेने वाला हूँ अभी तक मैंने आपको बताया नहीं, मैं क्या प्राइजेस देने वाला हूँ ये भी मैंने आपको नहीं बताया है, लेकिन अब मैं पहले आपको फर्स्ट 3 नाम बताऊंगा। यानी मैं बिल्कुल आपको सस्पेंस पे नहीं रखूंगा कि पहले लास्ट नेम बता रहा हूँ, फिर सेकंड लास्ट नेम बता रहा हूँ, लास्ट में विनर का नाम बता रहा हूँ। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं सबसे पहला जो पोजीशन पे आया है उसका नाम सबसे पहले ले रहा हूँ। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, पहला नाम राहुल यादव दिल्ली से, बहुत बहुत बधाई है, आपने इस पूरे कॉन्टेस्ट को विन किया है, आपने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, बहुत अच्छे प्रोग्राम सबमिट करे हैं। न केवल कॉन्ग्रेचुलेशन, आई सल्यूट यू, आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। सेकेंड नंबर पे नाम है धनंजय तिवारी कल्याण मुंबई से, आपने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, आपने लगातार प्रोग्राम सबमिट करे हैं और प्रोग्राम्स बेहतरीन सबमिट करे हैं। यानी जिन लोगों ने इनके प्रोग्राम्स देखे होंगे, इन दोनों के प्रोग्राम्स देखे होंगे, उन्होंने समझा होगा कि ये विन करने ही वाले थे। फिर तीसरा नाम है मनीष कुमार तंती का सूरत गुजरात से, आप तीनों को बहुत बहुत बधाई, आपने टॉप 3 पोजिशन एक्वायर करी है इस पूरे कॉन्टेस्ट में और ये एक बड़ी बात होती है, क्योंकि ये एक तरह से अब नेशनल लेवल का कंपटीशन हो गया था, इनफैक्ट इंटरनेशनल लेवल का कॉन्टेस्ट हो गया था, क्योंकि कुछ बार इंडिया के बाहर से लोगों ने भी टॉप 10 में अपनी जगह बनाई थी। तो ये एक बड़ी बात है कि आपने इतने बड़े स्तर पे इस कॉन्टेस्ट को जीता है, और जिस तरह के प्रोग्राम्स हम लोगों ने रखे थे, हमने एक मीडियोकर लेवल के प्रोग्राम्स रखे थे, तो आपको इतना तो समझना चाहिए कि अगर हर साल यहाँ इंडिया में 15 लाख से ज़्यादा इंजीनियर्स बनते हैं और दूसरी कंप्यूटर साइंस की जो स्ट्रीम्स हैं उन सबको मिला लिया जाए तो काफ़ी सारे लोग हैं, और उनमें अगर आपकी ये पोजीशन है तो मैं गारंटेड बोल रहा हूँ कि आप इंडिया का क्रीम हो, आप इंडिया में कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स में से एक हो जिनका ये लेवल है। तो डेफिनेटली आप कुछ बड़ा सोचो, क्योंकि आप बड़ा करने के लिए ही पैदा हुए हो। लेकिन अभी लिस्ट 3 पर मैं कंप्लीट नहीं करता हूँ, लिस्ट में और भी लोग हैं, तो अब मैं उनके नाम बताता हूँ। लिस्ट में चौथा नाम है अभिषेक आनंद भोपाल मध्य प्रदेश से, पांचवा नाम है मृदुल संखेरे, आप भी भोपाल मध्य प्रदेश से हैं, छठवा नाम है खुश गांधी अहमदाबाद गुजरात से। आप सभी लोगों को मैं ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करने वाला हूँ और क्या प्राइजेस वगैरह मिलने वाले हैं वो सब मैं कुरियर के थ्रू आपको पहुँचाऊँगा, लेकिन नाम केवल अभी मैंने 6 लिए हैं और नाम और भी हैं।
यस दोस्तों, अभी और भी कुछ नाम है। सातवां नाम मैं लेने जा रहा हूं सौरभ पाटीदार का, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश से है। आठवां नाम है आकाश कुमार नई दिल्ली से। नवा नाम है आयुष्मान माथुर सिलचर आसाम से। और दसवां नाम है प्रियम रॉय कोलकाता वेस्ट बंगाल से। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने कमाल का काम किया है। आप अपने ऊपर भी विश्वास रखिए और आप कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने अगर इतना साबित किया है तो डेफिनेटली आप आगे कुछ बहुत बड़ा करने वाले हो। तो अगर आपने बड़े सपने नहीं देखे तो आपने बहुत बड़ा अपराध किया है। आपको बड़े सपने देखने चाहिए क्योंकि आप उनको पूरा करने का दम भरते हो। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान रखो कि इस लिस्ट में केवल 10 नाम नहीं है, और भी कुछ नाम है। 11वां नाम बताने जा रहा हूँ। यस, 11वां नाम है तनय शाह का, जो कि अहमदाबाद गुजरात से हैं। 12वां नाम है अभिनव चौहान मुजफ्फरनगर यूपी से। 13वां नाम है विभु कुशवाहा कन्नौज यूपी से। 14th नेम है आकाश वांगने सूरत गुजरात से। 15वां नाम है पटेल दीप अहमदाबाद गुजरात से। तो दोस्तों, 15 नाम मैंने यहां पर आपको बता दिए हैं। 15 नाम, जितने लोगों को मैंने नाम लिए हैं, सभी लोगों को बधाई, और आप लोगों को मैं ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करने वाला हूं। लेकिन क्या केवल 15 नाम है? जी नहीं, अभी और भी नाम बाकी हैं। तो 16वां नाम मैं बता रहा हूं आपको यहां पर, मोनू विश्वकर्मा भोपाल मध्य प्रदेश से। फिर 17वां नाम है कल्याणी मिश्रा कोलकाता वेस्ट बंगाल से। 18वां नाम है नितिन गर्ग भटिंडा पंजाब से। और 19वां नाम है सुमित गिरवाल इंदौर MP से। और अब मैं आखिरी नाम लेने जा रहा हूं, 20वां नाम है मोले हल्दर कोलकाता वेस्ट बंगाल से। तो हमने देखा इस पूरे कॉन्टेस्ट में कुछ सिटीज काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग रहीं। इन सिटीज़ में एक दिल्ली है, एक अहमदाबाद है, सूरत है, कोलकाता है और भोपाल है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा एंट्रीज आती थी, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम सबमिट होते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे इंडिया में कुछ एक जगह है जहाँ पर MySirG ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा लोग देखते हैं, पर हर जगह नहीं देखते। तो इसका मतलब ये है कि अभी हमको और ज़्यादा वीडियो शेयर करने पड़ेंगे। दोस्तों, ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें, ताकि कई लोगों को इस चैनल के बारे में पता चले और वो सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने तो सबने सब्सक्राइब करके रखा होगा, और अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपको लगता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा आपको कॉन्टेस्ट कैसा लगा। और अगर आपका इसमें नाम नहीं आया तो बिल्कुल हताश मत होइए, मैं बहुत जल्दी Season 2 लेकर आने वाला हूँ। तब तक आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल को और इम्प्रूव करने की कोशिश करिए, और कुछ नया भी इस चैनल पे लाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि मैंने कुछ दिमाग में मेरे आइडियाज़ पल रहे हैं, लेकिन अभी मैं उसको रिवील नहीं करना चाहता। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं इस चैनल पर लाने वाला हूँ। तो आप इस चैनल पर लगातार बने रहिए। हर वीडियो जो मैं इस चैनल पर लाता हूँ उसको आप वॉच करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट। और कंग्रेचुलेशन उन सभी को जिनके नाम मैंने आप लोगों से लिए। थैंक यू, गुड बाय।